गतकाली नाबालिका जनक छात उपर एकुटिया देखि दुष्कर्म करथिला अभियुक्त अभियुक्त जनक हला स्थानीय अंचल महेश महांती। घटना पर महेश फेरार हो जाइछि, ताको गिरफ करबा पय विभिन्न स्थान रे चढ़ाऊ करूछि पुलिस रो स्वतंत्र टीम। संवेदनशील घटना एवं लज्जाजनक घटना, ये घटना को केत सर पुलिस गुरुत्व नहीं आम जहाँ सूचना अच्छी आप घटनास्थल को जाते पर सहित आलोचना कर पूरी पुलिस एटा एबे टॉप मोस्ट प्रायोरिटी अच्छी मोस्ट अनफॉर्चुनेट इवेंट आम बहुत प्रोफेशनली डील करुचु पूरा समय तो आम परिवार रे पूरा टच रे अच्छा ट्रीटमेंट जो जो करवा कथा से कोऑर्डिनेशन रे करुचु चारटा टीम रा गठन करा है काली रू कंटिन्यूस रेड चली और केमती शीघ्र जो असामी जो मुदला अच्छी अरेस्ट करके केमती जस्टिस डिलीवर हो सेटा आम फोकस रे अच्छा एज ऑफ नो आम टॉप प्रायोरिटी अच्छी कि केमती आम एक्यूज को अरेस्ट करवा और फर्दर डिटेल इन्वेस्टिगेशन और केस रे किसी कही हो नहीं अप्रोप्रिएट टाइम रे अपन को फर्दर इन्फॉर्मेशन दिया जाए। सर कतोटी टीम सर गठन करा जाए एवं ए टीम सर केम टू दिगो पर विशेष करी कोच जेतु ड्राइवर थिला तार सहयोगी मानन सहित मध्य आलोचना करा जाए तो किमा ताकू पत्र आउत आई विल रिक्वेस्ट यू बिकॉज़ ऑफ द सेंसिटिविटी ऑफ द केस हमें ताको टॉप प्रायोरिटी रे रखु छु इन्वेस्टिगेशन रा किछि भी डिटेल्स हमें रिवील करिबा नहीं चारटा टीम रा गठन करा है छी दरकार पड़ला और टीम रा गठन करा जीवो नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट्स रा हेल्प हमें अग्रु नेले नहीं अबे दरकार पड़ला फर्दर हमें इन्वेस्टिगेशन एक्सपेंड करिबो बेस्ट पॉसिबल एफर्ट्स जो जो करिबा कथा हमें सबुर कोऑर्डिनेशन रे सबुर टच रे अछु और हमरा प्रायोरिटी टॉप प्रायोरिटी अबे अछि के केमती हमें एक्यूज्ड को अरेस्ट करिबो। सर शिशु कन्या रो अवस्था एबे वर्तमान कोन रही छी तबो परिवार सहित फर्दर डिटेल्स एक सेंसिटिव इशू रे और रिवील करिवा नहीं फर्दर और डिस्कशन नहीं ओनली इंपॉर्टेंट टॉप प्रायोरिटीज रेस्ट ऑफ द अक्यूज्ड पूरी पुलिस रा समस्त ऑफिसर जो चार टीम रे छेंती हमें प्रयास करू। थैंक यू। शुक्रिया। जो बड़े कहले जे नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट को अपन हमें कॉल करबे कि जे अभियुक्त पुरी जिला बाहर फसी किछि कहि पारिबा नहीं किछि स्पेकुलेट करिवा नहीं लेट अस डील इट वेरी प्रोफेशनली हमर बेस्ट पॉसिबल एफर्ट्स हमें दो छु अक्यूज्ड को धरिबा को अपन को भी रिक्वेस्ट करीबी के और किछि फर्दर डिटेल हमें रिवील करिबा नहीं। थैंक यू। छुटिया अभियुक्त का परिवार तो अभियुक्त परिवार की बड़ी अवस्था रे अछंती से माने निश्चित एक संवेदनशील प्रसंग ताको सहित मिनिमम ताको सांत्वना दिया जाउ छी कि एवं पीड़िता जो शिशु कन्या अवस्था सारे अभी कोन अछि ओडिसा रो समस्त जनसाधारण जनसाधारण जानै छै नै हमें सब परिवार रे टच रे अछु हमरा ऑफिसर्स टच रे छथि खाली हमें आलोचना भी करलो नी और किछि फर्दर डिटेल लेट अस नॉट स्पेकुलेट लेट अस नॉट डिस्कस हमें जो जो करीबा कथा परिवार साइड रे और एक्यूज्ड को धरिबा साइड रे बेस्ट पॉसिबल एफर्ट्स हमरा साइड रु चली छी। सर सेतर कहिबे कि निश्चित तरु धरा दिबो एवं ताको दंड दिया जो एवरी को लज्जाजनक घटना 100% हमरा साइड रु बेस्ट पॉसिबल एफर्ट कंटिन्यूस रहिबो जो पर्यंत जस्टिस डिलीवरी होबो नै। पूरी एसपी को सूचना सुनुथिले जो अभियुक्त को धरिबा पई टीम गठन करा जाय छी एवं टीम विभिन्न स्थान रे रेड करुच्छी विभिन्न स्थान रे तार खोजाखोजी चल टीम जे अभियुक्त को धरिबा पई जोरसर टीम तार तनाखना चल जे अभियुक्त रही वर्तमान फेरार अच्छी कहुच्छी जे से अन्य जिला किंबा कोडे बाहर को पलाई जाइथिबा अनुमान करा जाउछी सेति पई पुलिस रो चारोटी टीम गठन करा जाइछि स्वतंत्र टीम से टीम विभिन्न जगह गत काली ठारु खोजाखोजी चलाइछन्ते एवं अभियुक्त को धरिबा पई विभिन्न स्थान रे पुलिस रेड करुछे तबे पुरी रे लज्जाजनक घटना टाउन थाना अंचल रे जणे 5 वर्षर नाबालिका को दुष्कर्म अभियोग होईछि एवं गुरुतर अवस्था रे नाबालिका जन को कटक बड़ डाक्तरखाना स्थानांतर करा जाइछि एवं अभियुक्त जे मुख्य अभियुक्त जे महेश महांती से फेरार रहिछि ताकू खोजिबा पई चारोटी टीम गठन होई छी आवश्यक पड़ा आहरी टीम गठन हो पूरी एसपी सूचना देते सौमित्र हरिचंदन पूरी आम सहित सीधा सख जोड़ी होती ब्यूरो चीफ सौमित्र एसपी सूचना देते चारोटी टीम गठन कर दरकार पड़े आम गठन होथासम्भव यथाशीघ्र अभियुक्त को धरियापाई ये जोरदार प्रयास चली देखुं पुलिस तदंत को कौन एसपी आ सूचना देते
ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଘଟଣା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଏବଂ ଘଟଣାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ପୋଲିସ ନେଇଛି। ଯେଉଁଭଳି ଆମେ ପୂର୍ବ ବୁଲେଟିନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲୁ ଯେ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ 4ଟି ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ 4ଟି ଟିମ୍ ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ରେଡ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି। ଏବଂ ଯେଉଁଭଳିଆରେ ଏସ୍ପି ବର୍ତ୍ତମାନ କିଶନ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଦେଲେ ଯେ ଜିଲ୍ଲା ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ରହିଥାଇପାରେ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ତେଣୁ ଜିଲ୍ଲା ବାହାରର ପୋଲିସର ସହାୟତା ମଧ୍ୟ ନିଆଯାଉଛି। ତେଣୁ କେଉଁଟା କେଉଁଠି ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ବାହାରକୁ ଖସି ପଳାଇ ଯାଇଛି ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଆମେ ଯେହେତୁ ଘଟଣା ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ରହିଛି ଏବଂ ଘଟଣାକୁ ପୁରୀ ଏସ୍ପି ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମବେଦନା ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାପନ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ପ୍ରାଥମିକ ଭାବେ ଯେଉଁ 5 ବର୍ଷର ନାବାଳିକ ରହିଥିଲା ତାକୁ ତା'ର ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତ୍ୱର ରହିଥିବାରୁ ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ପୁରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ କଟକ ଅଧିକ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ କଟକକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ଏ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଗୋଟିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲଜ୍ଜାଜନକ ଘଟଣା ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଏ ଘଟଣା ଘଟାଇଥିଲା ଏବଂ କେହି ନଥିବା ସମୟରେ ଏ ଘଟଣା ଘଟାଇଥିବାର ଯାହା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି, ତେଣୁ ସେ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଘଟଣା ଘଟାଇବା ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଖସି ଯାଇଛି ବା ଚମ୍ପଟ ମାରିଯାଇଛି। ତେଣୁ ପୋଲିସ ପାଇଁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରହିଛି ଯେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ କରିବ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର କଳବଳ କୌଶଳ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଲଗାଯାଇଛି ଏବଂ 4ଟି ଟିମ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ଭାବେ ଗତକାଲିଠାରୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ମଧ୍ୟ ପଠାଯାଇଛି ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ଅଧିକ ଫୋର୍ସ ବା ଅଧିକ ଟିମ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିୟୋଜିତ କରାଯିବା ନେଇ ମଧ୍ୟ ପୁରୀ ଏସ୍ପି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନିହାତି ପକ୍ଷେ ଏ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ ଦିଆଯାଉଛି ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପୁରୀ ଏସ୍ପି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଘଟଣାକୁ ମନିଟରିଂ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଘଟଣା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ରହିଛି ଏବଂ ଛୋଟ ପିଲାର ଘଟଣା ରହିଥିବାରୁ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ଯଦିଓ ପୁରୀ ଏସ୍ପି ଦେଇନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କୋର୍ସ ଅଫ୍ ଆକ୍ସନ ନିଆଯାଉଛି ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମୁଭମେଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଘଟଣାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ନେଇଛି ପୁରୀ ପୋଲିସ ଏସ୍ପି ଯାହା ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଏବଂ 4ଟି ଟିମ୍ ଗଠନ ହୋଇଛି, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆଉ ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯିବ ଏବଂ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଶୀଘ୍ର ଧରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ଯଥା ସମ୍ଭବ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଏବଂ ଶୀଘ୍ର ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସମିତ୍ର ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ।